नमस्कार आदाब, मैं फरीद खान आपका दोस्त MMS न्यूज 24 में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में किस स्तर पर भ्रष्टाचार है, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने एक सैलाब की तरह भ्रष्टाचार कर रखा है। दो दो पाँच पाँच साल दस दस साल हो जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जो जांच है उस पर आँच तक नहीं आती। मध्य प्रदेश के लोहारदा, जो देवास ज़िले में मौजूद है, लोहारदा, कांटाफोड़ और सतवास, देवास ज़िले की बागली तहसील के इन गांवों में करोड़ों रुपये के प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार में ऐसे नाम मौजूद हैं जो टस से मस नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों पर हल्की बुल्की गाज गिरने के बाद फिर दोबारा लौट कर आए। आखिर ये होता कैसे है, ये किनके संरक्षण में होता है, कौन इन्हें करवाता है? दूसरी एक गर्माहट भरी बात जो सामने आई है वो बात यह है कि मध्य प्रदेश के उसी जहां पे भ्रष्टाचार हुआ है वहां से एक बार के विधायक और दो बार के विधायक हाटपिपलिया विधानसभा से, वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी, उन्होंने ही इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर किलाबंदी कर दी है। उनके द्वारा ही यहाँ पर ताल ठोकने के बाद जब हमने देखा कि उन्होंने कांटाफोड़ थाने में जाकर 40-50 जो लोग उनके पास आए कि हमारे नाम पर पैसा निकाल लिया गया, हमें मैसेज आया कि हमारे खाते में से पैसा आया है, जब उनके खाते में पैसा आया उनकी शिकायत की तो वो उनके साथ जाकर कांटाफोड़ थाने में शिकायत कर आए। एक पूर्व मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही भाजपा के खिलाफ जब उतरता है, या कोई सी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, जब उसका सत्ताधारी दल का नेता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने ही सत्ता के खिलाफ आता है तो उसमें कुछ बड़ी ऐसी बू आती है कि कुछ बड़ा खेल हुआ है। उस बड़ा खेल का खामियाजा तो गरीबी भुगतता है, वो आवासहीन व्यक्ति ही भुगतता है जो टूटे फूटे अपने झोपड़े में रहता है और उसके नाम पर बड़ा खेल हो जाता है। सूत्र ऐसा बताते हैं कि इस मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के साथ कुछ लोगों को बड़े गिफ्ट भी दिए गए हैं। वो गिफ्ट किन लोगों तक पहुँचे हैं और इसकी आँच कहाँ तक पहुँचेगी? जिस तरीके से फास्ट कोर्ट चलाकर किसी भी मामले को जल्द से जल्द उसका खात्मा किया जाता है, क्या सरकारें इस तरह से कोई से भी भ्रष्टाचार के मामलों को ख़त्म नहीं कर सकती हैं? ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अनैतिक कार्य करने वाले हैं, उन्हें मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो ज़मीन के नाम पर ही भ्रष्टाचार हुआ है, प्रधानमंत्री के नाम पर, मकान के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। तो उन खेल करने वालों को शिवराज सिंह चौहान में ज़मीन में कब गाड़ेंगे, उन पर कब कार्रवाई करेंगे, कब ठोस कदम उठाएंगे, ये भी एक सोचने वाला मामला है। नमस्कार। बागली विधानसभा मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है, मैं एक बार बागली से विधायक रहा हूँ। ऐसे में बागली की जनता से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, सरोकार हैं। कल मैं लोहारदा और कांटाफोड़ नगर में जो मुझे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्टेशनरी मिलती है उसका वितरण करने गया था शासकीय विद्यालयों में। कांटाफोड़ शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में जब हम कापियों का वितरण करके कार्यक्रम के बाद और अनौपचारिक रूप से लोगों से मिल रहे थे, उसी दौरान करीब 30-40 लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ है। तो मैंने कहा उसकी जांच चल रही है, तो बोले जांच इतने समय हो गया, दो दो साल हो गए, तीन तीन साल हो गए, हमारे पैसे निकल गए और यह देखिए हमारी पासबुक जिसमें हमारा पैसा डाला और हमारा पैसा दूसरों ने निकाल लिया। तो मैंने कहा ये तो साइबर क्राइम है, आपका पैसा दूसरा कैसे निकाल सकता है? तो उनका कहना था नहीं हमारा पैसा निकल गया। तो मैंने कहा आप पुलिस में FIR करो। तो बोले पुलिस में FIR हम करने जाते लेकिन पुलिस हमें टरका के देती, भगा देती है। तो मैंने कहा आप जाइए मैं बात करता हूँ। बोले नहीं आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप जाइए, मेरा आपकी शिकायत है तो आप आवेदन दीजिए वहाँ जाके। मैंने कहा FIR नहीं होगी, शिकायत होगी तो साइबर क्राइम की जांच होती है। मैंने कहा आप जांच के लिए आवेदन दीजिए। तो बोले नहीं हमारा आवेदन स्वीकार नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप जाइए, हम उनसे कोशिश करते बात करने की, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, क्या आप हमारा इतना साथ नहीं दे सकते, हमने इतना साथ दिया आपका। तो मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, जिस विधानसभा ने हमारा 40-50 साल साथ दिया, जिसकी पहचान हमारी पहचान उस विधानसभा से है, तो ऐसे दृष्टिकोण में गरीब जनता के साथ मुझे जाना चाहिए
और मैं सहजता में उनके साथ चला तो मेरे साथ बहुत से लोग जो आते थे पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, नगर पालिका के अध्यक्ष थे, नगर पालिका नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेतागण थे, पूर्व विधायक सम्मानीय कपूर पटेल जी थे। हम सब लोग थाने में गए और हमने कहा कि भाई इनका ज्ञापन, ये आवेदन स्वीकार कीजिए और इसकी जांच करवाई। वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने कहा नहीं, हम जांच करवाएंगे। हमने कहा कि इनकी एक वो एक्नॉलेजमेंट आप दे दीजिए, तो वो भी उन्होंने दी। उन्होंने हमसे कहा भी था कि आप टीआई की कुर्सी में, टीआई साहब के कमरे में बैठे वहाँ बैठ के आप चर्चा कर लें। मैंने कहा नहीं, हम जनता के साथ आए तो जनता बन के ही रहेंगे, और हमने आवेदन देकर वापस लौट के आ गए। हमारा सिर्फ इतना ही कहना इस मामले में, क्योंकि ये मामला लगातार साल डेढ़ साल से चल रहा है, हमारे पत्रकार साथी जनप्रतिनिधिगण लगातार इस मांग को करते आए, जनता भी समय समय पर करती आए, क्योंकि जनता के प्रति सीधी सीधी जवाबदेही हमारी है। हम कब तक किसी मामले को टालते रहेंगे, ये मुझे कहने के लगता है टालने वाला मामला।